दोस्तों मेरे सामने डायबिटीज के पेशेंट हैं जिनका एज अब 32 ईयर और उनको पिछले करीब 8 साल से डायबिटीज है, बट पिछले 8 साल से प्रेगनेंसी नहीं कर रही हैं क्योंकि उनको मन में डर है कि बच्चा डिफेक्टिव पैदा होगा। और अभी उनका डायबिटीज कंट्रोल चल रहा ऑन 2 टैबलेट, गोली खा रही से डायबिटीज कंट्रोल, उनका ग्लाइकोमेट जीपी 44 खा रही है उससे कंट्रोल है। तो आप सबको कहना चाहेंगे हम कि डायबिटीज की मेरी चाहे टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज हो, चाहे वो गोली भी कंट्रोल हो, चाहे इंसुलिन कंट्रोल हो, चाहे एक बार इंसुलिन ले रहे हैं, चाहे 4 बार कंट्रोल ले रही हैं, आज की डेट में प्रेगनेंसी करना बड़ा आसान है। हम लोग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी HbA1c के बिलो 7 रखते हैं, खाली पेट 90 से कम रखते हैं, खाने बाद 120 या मैक्सिमम 140 से नीचे रखते हैं। तो पूरी 9 महीने प्रेगनेंसी एकदम सक्सेसफुल, हेल्दी चलती है और हेल्दी बेबी पैदा होता है। अगर आपका किडनी खराब नहीं है, हार्ट खराब नहीं है, मतलब हार्ट पंपिंग ठीक है, किडनी में यूरिया क्रिएटिन नॉर्मल है, तो आप प्रेगनेंसी के लिए फिट हैं, आपको बच्चा स्वस्थ होने की पूरी गारंटी है। हाँ, अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं या टैबलेट ले रहे हैं, तो प्रेगनेंसी में दो ही दवा अलाउड होती है, एक तो मेटफॉर्मिन गोली अलाउड होती है, एक इंसुलिन इंजेक्शन अलाउड होता है, बाकी और टैबलेट प्रेगनेंसी में अलाउड नहीं होती है। तो हम डायबिटीज मरीजों को प्रेगनेंसी से पहले करीब 1 महीने पहले इंसुलिन स्टार्ट करते हैं, और जो लोग इंसुलिन चल रहे हैं दिन में 3 से 4 बार इंसुलिन देते हैं, और कोई मेटफॉर्मिन गोली पर कंट्रोल रहते हैं उसी कंटिन्यू रख देते हैं, हम लोग इंसुलिन स्टार्ट नहीं करते हैं, पर अदर टैबलेट मेटफॉर्मिन के अलावा उसको बंद करके इंसुलिन शिफ्ट करते हैं। और जब आपका आफ्टर 1 मंथ जब शुगर फास्टिंग बिलो 90 आ जाता है, पोस्ट पैंडल आफ्टर फूड बिलो 120-130 आ जाता है, और HbA1c बिलो 7 आ जाता है, तो प्रेगनेंसी के लिए अलाउ कर देते हैं। रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जब बेबी प्रेगनेंसी होने के बाद 100 नॉर्मल प्रेगनेंसी में 100 में से एक बच्चे को डिफेक्ट पैदा होता है। अगर डायबिटीज कंट्रोल रहेगा तो इनके अंदर भी चांस केवल इतना रहेगा, एक बच्चा 100 में से डिफेक्टिव होगा, बाकी 99 बच्चे नॉर्मल होंगे। फिर हम लोग 6 मंथ में प्रेगनेंसी के एक 3D अल्ट्रासाउंड करते हैं, और बच्चे को डिफेक्ट होता है तो उसको फिर अबॉर्ट कर दिया जाता है। भगवान कृपा से पिछले 27 साल प्रैक्टिस में आज तक हमारे किसी बच्चे को प्रेगनेंसी में जो बच्चे पैदा किए किसी को डिफेक्ट आया नहीं है, सारे बच्चे स्वस्थ हेल्दी पैदा हुए हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेगुलर शुगर कंट्रोल कर रखते हैं हम लोग, रेगुलर शुगर चेक कराते हैं, इंसुलिन रेगुलर देते हैं और शुगर मॉनिटर रखते हैं, मरीज रेगुलर विजिट करता है या फोन से कंसल्ट करता है, और शुगर कंट्रोल साथ साथ अदर पैरामीटर ठीक रखते हैं, तो कोई नुकसान न कोई बॉडी नुकसान पेशेंट को न कोई बच्चे को नुकसान होता है, और बच्चा पूरी तरह स्वस्थ पैदा होता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो प्लीज डिले मत करें, कोई जितना डिले होता जाता है एज बढ़ता जाता है प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। यदि पहला बच्चा कोशिश कर 30 से पहले कर लें और सेकेंड बच्चा 35 से पहले कर लें, सो दैट कि बच्चा स्वस्थ पैदा हो। तो अच्छा, जो हम प्रेगनेंसी में इसमें स्टार्ट भी करते हैं और कोई टैबलेट ले रहा है उसमें शिफ्ट करते हैं हम, तो बेबी होने के बाद फिर से टैबलेट वापस शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में कल मैं बोला मेटफॉर्मिन इंसुलिन 2 ही दवा देते हैं, बाकी नहीं देते हैं। जैसे हमारे मरीज ग्लाइकोमेट जीपी ले रहे हैं, तो ग्लाइकोमेट मेटफॉर्मिन अलाउड बट जीपी अलाउड नहीं है, इसलिए उनको हमें इंसुलिन शिफ्ट करके प्रेगनेंसी करना होगा। तो आई होप इस वीडियो से नॉलेज मिला कि अगर आप डायबिटीज के प्रेगनेंसी होना चाहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छे क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट से डायबिटीज स्पेशलिस्ट सलाह लेकर के गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर केयर रह के दोनों करिए, आपका बच्चा जरूर स्वस्थ पैदा होगा।